कक्षा सातवीं संस्कृत, तृतीय है पाठ, तीसरा पाठ और इसका नाम है ज्ञानम चेतनायाम, नॉलेज इन फीलिंग्स, हमारी भावनाओं के अंदर जो ज्ञान होता है, चेतना में जो ज्ञान होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वार्तालाप, ये जो पाठ है आपका वार्तालाप यानी बातचीत की के रूप में है। कक्षायाम आचार्य है प्रविशत, यानी कक्षायाम कक्षा में आचार्य यानी अध्यापक, प्रविशत यानी प्रवेश करते हैं। आचार्य किम कक्षायाम सर्वे छात्र उपस्थिता सन्ति, क्या कक्षा में सभी छात्र उपस्थित हैं। किम यानी क्या, कक्षायाम यानी कक्षा में, सर्वे यानी सभी, छात्रा यानी छात्र, उपस्थिता यानी उपस्थित सन्ति हैं। आम कक्षा नायक यानी कक्षा नायक वो होता है जो कक्षा का मॉनिटर होता है, उसने क्या बोला, आम श्रीमान सर्वे उपस्थिता सन्ति, हाँ श्रीमान जी सभी उपस्थित हैं। आचार्य अद्य अहम ज्ञानम विषये पाठयामि, आज मैं तुम्हें किसके बारे में बताऊंगा भाई, ज्ञानम यानी ज्ञान के विषय में पढ़ाऊंगा, पाठ पढ़ाऊंगा। कक्षा नायक, अब कक्षा नायक बोलता है भो श्रीमन ज्ञानम की भवति, हे श्रीमान ज्ञान क्या होता है, ज्ञानम यानी ज्ञान, किम यानी क्या, भवति होता है। फिर इसके बाद आचार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं आचार्य, ज्ञानम अयम श्रेष्ठ, अयम श्रेष्ठ न तथा येन तत्वेन पुरुषः हानि लाभम अयम निजः परो वेति हितकरम महितकरम च विषये ज्ञातुं सर्वथो भवति इत्येव ज्ञानम अभिज्ञाते, यानी ज्ञान वह श्रेष्ठ चीज है, यह ज्ञान में ये बताता है ये चीज श्रेष्ठ है, ये चीज श्रेष्ठ नहीं है, यानी ये महान चीज है, ये महान चीज नहीं है, ये चीज हमें लाभ देगी, यह चीज़ हमें हानि देगी, इसका भी हमें ज्ञान ही बताता है। और जो हमारे हित में है और जो हमारे हित में नहीं है, दोनों बातें बातों का के विषय में ज्ञान हमें समर्थ बनाता है, योग्य बनाता है, और यही ज्ञान का, इसी ही ज्ञान माना जाता है। तत् ज्ञानम चेतनायाम निहितम, और वही ज्ञान चेतना में निहित यानी समाहित है। वो श्रीमन चेतना किम भवति, कि हे श्रीमान चेतना क्या होती है, चेतना यानी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, अब वो क्या चीज़ होती है, किसने पूछा, बच्चों ने पूछा यानी कक्षा नायक ने। आचार्य भो बालका सकल ज्ञानस्य आधारः आधारः चेतना एव भवति, यानी सारे ज्ञान का आधार चेतना ही होती है। सकल यानी सारे ज्ञानस्य, ज्ञान का आधार यानी बेस जो चेतना यानी हमारी फीलिंग एव भवति यानी होती है। श्रुताम सावधानतया सकल विश्व ज्ञानाधार भूत तत्वे नाम स्थिरम ज्ञानमेव चेतना इति जानेत, कहने का मतलब संपूर्ण जो संसार है ज्ञान का आधार, प्राणियों में स्थित जो ज्ञान की चेतना है वही है। सकल यानी पूरे विश्व यानी विश्व के ज्ञानस्य यानी ज्ञान के आधार यानी उसका आधार जो है, जो भूत तत्व में स्थित यानी जो चेतना में स्थित है, चेतना जो हमारे अंदर स्थित है उसी का आधार है। शुद्ध चेतना एवं शुद्ध ज्ञानम भवति, जो शुद्ध चेतना से शुद्ध ज्ञान होता है, यानी अगर हमें ज्ञान मिलेगा तभी तो हमें चेतना आएगी, और हमारी चेतना ही साफ नहीं होगी तो हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा। चेतना बिना ज्ञानस्य विकासम न भवत महत्, यानी जो चेतना है उसके बिना ज्ञान का विकास होना मुश्किल है, वो ज्ञान का विकास नहीं हो सकता। अतः पुरुषे प्रथमम ईश्वरेण चेतना प्रदत्ता, इसलिए पुरुष को प्रथम यानी सर्व सबसे पहले ईश्वर ने चेतना प्रदान की। चेतना स्वतः ज्ञानम प्रादुर्भावति, यानी चेतना से खुद ही स्वयं ही ज्ञान का जो प्रादुर्भाव है वो हुआ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ज्ञान से उपार्जनाय गुरोः कृपायाः आवश्यकता भवति, यानी ज्ञान को उपार्जन करने के लिए, ज्ञान का उपार्जन यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। कक्षनायक भो आचार्य महोदय गुरुः का परिभाषा, हे आचार्य महोदय गुरु की क्या परिभाषा होती है। आचार्य यः अंधकारात् प्रकाशं नयति सः गुरुः भवति, ये जो अंधकार है अर्थात अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाता है, यानी गुरु जो शब्द है इसके दो, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें गु और रू बनेगा, इसका मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला है। गुरु अस्माकं ज्ञान चक्षु उद्घाटने समर्थ, यानी गुरु
अस्माकं हमारे ज्ञान चक्षु ज्ञान के जो नेत्र होते हैं उसे खोलने में समर्थ होते हैं। अन्य कौरपि समर्थ न, इसके अलावा कोई भी समर्थ नहीं होता। गुरु हो आज्ञा सर्वदा पालनया, कदापि आज्ञा उल्लंघनम न करणयम, गुरु की आज्ञा का सर्वदा यानी हमेशा पालन करना चाहिए, कभी भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसके विरोध में नहीं जाना चाहिए। अस्माकं त्रिदेवा एव सम्मानतया संति, हमारे तीन देव, त्रि यानी तीन, देवा यानी देव, सम्मान के लायक हैं, जिनका सम्मान करना चाहिए। कौन से भाई? भो श्रीमन के त्रिदेवा, हे श्रीमान जी कौन तीन देव कौन से हैं? मातृदेव पितृदेवा चार्य श्योति, यानी मातृ माता देव देव के समान है, पितृदेवा यानी पितृ भी देव के समान है, और आचार्य श्योति यानी जो आचार्य हैं अध्यापक हैं वो भी देव के समान होते हैं। तो त्रिदेवा ये तो ये तीन देवता हैं। अस्म्याभि एतेषां आज्ञा सर्वदा पालिना, भाई हमेशा इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु एव अस्मान आज्ञानाधान्तकारात् उधर तु समर्थो भवति, आज्ञान अंधकारात् मतलब जो गुरु है हमारे अज्ञान हमें क्या करते हैं, अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालते हैं, करने में ऐसा करने में समर्थ होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया, अगले पार्ट की तरफ हम अगली वीडियो में बढ़ेंगे।